से हम आए हैं ना, जब से हमको पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अंशु जी के साथ हमको रहना ही नहीं है, वैसा हमको लग रहा है, क्योंकि अंशु जी हमारे साथ कभी देते ही नहीं है। तब हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, कि कैसा कदम उठाएं, क्या ऐसा नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना कि हमारा बात ही नहीं सुनने को राजी है, ना हमसे बात करने को राजी है अंशु जी, हम क्या कहें। ऐसा हुआ है शादी के, जब से शादी हुई ना, जब से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था, बट अब हुआ है ऐसा। एक हफ्ता तक बात नहीं किए हैं, लड़ाई और झगड़ा और ऐसा हो रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि अब हम इस रिश्ते को निभाएं, क्योंकि अंशु जी हमारे साथ में ही ऐसा कर रहे हैं। मैं तो सोची थी कि इनका जीवन भर मैं साथ दूंगी, इनका साथ हमेशा निभाऊंगी, बट यही ऐसा कर रहे हैं। तो अब हम क्या कहें, बताइए आप लोग। क्योंकि जब हमसे हम अपने घर, अपने मायके छोड़ के आए थे, अपने मम्मी और भाई बहन को छोड़ के आए थे, जब से हमारे घर के लोग कुछ भी नहीं बात करते, अभी तक बात नहीं करते। अब हम सोचते हैं कि ना तो हम अपने घर के रहे, ना ससुराल वाले भी बोलते हैं, ना ही अंशु जी अब हमसे बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी, वो मेरी तरफ बोले कि अपने घर की फैमिली के बारे में, मतलब वो मेरी तरफ बोले या घर की फैमिली की तरफ बोले, इसी चक्कर में वो कुछ भी नहीं बोल रहे हमसे, ना हमसे बोले ना अपनी फैमिली से बोल रहे। हम क्या क्या करें, क्या नहीं, हम कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों आप लोग बताइए कि हम क्या करें, क्योंकि देखिए अब अंशु जी जाते हैं आते हैं जॉब से, उसको आते हैं चले जाते हैं, हम लंच वंच खाते पीते हैं, रात में आते हैं खाते हैं सो जाते हैं, ऐसे हम तो हमसे मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि क्या है, कैसी है, कैसे नहीं, क्या खा रही है, क्या नहीं पी रही है, फोन वोन भी कुछ मतलब नहीं है। देखते हैं आप लोग मेरे हालत देख रहे हैं, हम जब से हमारी लड़ाई हुई ना अंशु जी के साथ में, जब से हम रोटी बाटी सब छोड़ रखे हैं, पता नहीं किस घमंड में जीते हैं अंशु जी, हमको ये नहीं समझ में आता। हम देखिए उनको अभी भी देखिए, अगर वो हमसे बातचीत भी नहीं करेंगे ना, कभी भी नहीं देंगे, लेकिन हमको, हम उनके बारे में बुराई भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम उनका अब तक रहे हैं साथ में, तो चाहे हमसे वो बात करे चाहे ना करे, लेकिन हम उनके बारे में कभी हम गलत सलत नहीं बोलेंगे, कि नहीं बोल रहे, हालांकि हम उनकी नजरों में तो हम गलत होंगे, इसीलिए वो हमसे नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी नजरों के हिसाब से देख रही हूँ, तो मैं उनको सही बात आगे के लिए कहती हूँ, बट वो उनकी नजरों में मैं गलत हूँ। पता नहीं क्यों, क्या है, क्या चीज है उनके पास, ये इस चीज को लेकर घमंडी करते हैं। आज आप लोगों ने भी अगर कोई भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो देखे थे ना हमको, मतलब हम पूछ रहे थे कि अगर भाई अगर बातचीत नहीं करे तो कम से कम हमसे, मतलब लड़ाई लड़ाई की जगह पे, लेकिन हमसे बात तो करो यार, लड़ाई लड़ाई की जगह पे ही है, अगर लड़ाई जब होती है तो उसी टाइम तुम भी बोलो और हम भी बोले, लेकिन बोलते बोलते शांत हो जाओगे तो अपने आप ही, मतलब सुबह बोलेंगे, सुबह लड़ाई होती है शाम को बोलो, शाम को भी मतलब हो जाती, तो तुम्हें ऐसे तो अक्सर चलते ही रहता है अक्सर, लेकिन इतनी कोई भी बात हो लेकिन उस चीज को बैठ कर सोल्यूशन करे, कि ऐसा करे कि जैसे कि मैं जो कह रही हूँ आपको वो भी समझो, और जो आपको उस कहना है वो भी हमें भी समझाओ, जिससे कि ऐसी कोई बात मतलब बैठ के कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि तुम नहीं बोलोगे तुम नहीं बात करोगे, अब कोई तीसरा लोग तो आएगा नहीं, क्योंकि तीसरा लोग तो मजा ही लेगा कि नहीं बोला साली, उसने जले पे नमक छिड़क दे कि यार इनका रिश्ता टूट ही जाए। सपनों में भी कभी नहीं सोचे थे कि जब हम अंशु जी के पास आएंगे तो ऐसा करेंगे। ऐसे में देखिए ना तो इनके घर वाले ठीक से बोलते हैं, ना मेरे घर के लोग मेरे से बात करते हैं, और मैं कहाँ जाऊँगा रुक लेके। मैं ये सोच रही अगर अंशु जी मेरा वीडियो देखेंगे शायद वो समझेंगे मेरी बातें। चलो दोस्तों अगले न्यू ब्लॉग में, जब तक बाय बाय दोस्तों।